और हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नकल विरोधी कानून की आभार रैली में शिरकत की और इस दौरान युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस आभार रैली में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा सहित कई विधायक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा है कि नकल विरोधी कानून बनाने के पीछे सरकार की मंशा युवाओं के भविष्य को बेहतर करना है। देश में उत्तराखंड पहला राज्य है जहाँ पर सबसे कठोर नकल विरोधी कानून बना है। सीएम धामी ने कहा है कि हम युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को और भी पारदर्शी बनाने के लिए भर्तियों में साक्षात्कार खत्म करने का निर्णय ले रही हैं। वहीं G20 सम्मेलन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि G20 सम्मेलन में उत्तराखंड को 3 कार्यक्रम मिले हैं, जिसमें सबसे पहला कार्यक्रम रामनगर में होना है और हमने उसकी सभी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ऐसे लोगों को कहीं उस पर कोई स्थान नहीं मिलने वाला है। प्रदेश के युवाओं की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप ये बजट हम लेकर आएंगे। हम आने वाले बजट में हमारी मातृशक्ति बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करेंगे। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनके चहुंमुखी विकास के लिए खुशी प्रदान करने का प्रयास करेंगे। भाइयों बहनों, मेरी और मेरी सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि आम लोगों के जीवन को सुगम बनाया जा सके। अरे ये पानी चिकन यार, ये लेके आया मैं, थोड़ा नीचे कर दे अभी। आज परीक्षाओं में बड़ी संख्या में भाग लीजिए। हमारा स्पष्ट मत है कि आप चुप रहे।